घटनाक्रम रहा हरियाणा के लिहाज से, और हरियाणा के लिहाज से उस घटनाक्रम में जेपी नड्डा साहब जिस उद्घाटन में आए, हरियाणा सरकार की तारीफ करके गए कि टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से और बाकी तरीकों से, तकनीक से साथ भ्रष्टाचार कम किया गया, और ये भी सरकार की पीठ थपथपाई कि सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आज प्रदेश में हमने उठाया है कि एक डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल अम्बाड़ा को और ख़ास तौर पर नॉर्दर्न हरियाणा को एक डेडिकेट हुआ है, वहीं दूसरी ओर पर निरंतर सरकार हमारी कोई भी विषय हो पारदर्शी तौर पे हमने एक्शन लिया है, और जहाँ गड़बड़ियाँ मिली है वहाँ किसी को बख्शने का काम नहीं किया, सख्त कार्रवाई भी उस पूरे विषय पर सरकार द्वारा करी। एक सवाल, आपकी कुछ अखबारों की कटिंग में आज देख रहा था, उसमें आपने कहा कि लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव हो, आगे तक बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रहेगा और तमाम तरह के जो चुनाव हैं, ऐसा कोई बयान हाल फिलहाल में आपने दिया है क्या? क्या मतलब? देखिए, बिल्कुल कल ही मैंने कहा है और मैं तो कहता आया हूँ, लोग तो हमें एक महीने बाद ही जुदा कर रहे थे, फिर 6 महीने कहते थे, फिर साल कहते थे, आज 2.5 साल हमने सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाई है और अगले 2.5 साल भी और सक्सेसफुली हम इस सरकार को चलाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिलकर आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक घटनाक्रम कुछ तो बदले हैं प्रदेश के, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फुल कमान मिली है, एक चुनौती कहीं ना कहीं वो पेश करते नजर आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष कोई भी बना हो, एक जो फील ली जा रही है कि जो चौधर थी वो चौधर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी तरह से आ चुकी है। चलिए, अभी 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 तो शुरुआत है, और शुरुआत में ही कहते हैं ना, आपके जब एग्जिट पोल आता है तो असर दिखने लग जाता है, और दिख रहा है किस तरीके से कुलदीप जी का बयान आ रहा है, रणदीप सुरजेवाला का बयान आ रहा है। मैं ये मानता हूँ राज्यसभा चुनाव पास आने दें, आपको बहुत कुछ और बदलता दिखेगा। अब इशारा कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव में एक जो सीट कांग्रेस की बनती है, एक बीजेपी की बनती है, वहाँ भी कुछ पेच फंस सकता है। मैं तो आपको आज इतना बोल सकता हूँ कि कांग्रेस का 31 का फ्लॉक है, अगर ये राज्यसभा में इकट्ठे रहते हैं तो जरूर कुछ हम सोच सकते हैं, अगर राज्यसभा में खिंड बिंड गए फिर क्या करोगे। तो बड़ा इशारा करते हुए नजर आए दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, और तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात भी रखी है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।